अवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल का फेज 4 इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा जितना हम सब ने उम्मीद की थी, सिवाय एक दो प्रोजेक्ट्स के। और अगर इन प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो इनमें सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट रहा लोकी, जिसके अंदर हमें डिटेल्ड में सेक्रेट टाइमलाइन, टीवीए और समय रक्षकों के बारे में जानने को मिला, जो आगे जाके कनेक्ट होने वाली है मार्वल के मल्टीवर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले हमें समय रक्षक, सीक्रेट टाइमलाइन और टीवीए को जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं मार्वल की मोस्ट वॉच्ड टीवी सीरीज लोकी सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन। इसीलिए समय को ना गवाते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लोकी। तो लोकी सीरीज के पहले एपिसोड में हमें अवेंजर्स एंड गेम का सीन दिखाया जाता है, जब टोनी और कैप्टन अमेरिका टाइम ट्रेवल करके इन्फिनिटी स्टोन्स लेने गए थे, लेकिन हल्क की गलती की वजह से लोकी के हाथ में टेसरेक्ट क्यूब लग जाता है, जिसकी मदद से वो अपने आप को टेलीपोर्ट करके मंगोलिया के रेगिस्तान में पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और टीवीए यानी कि टाइम वेरियंस अथॉरिटी वाले आ जाते हैं। उनकी लीडर हंटर B-15 लोकी से कहती है कि हम तुम्हें समय रेखा से छेड़छाड़ करने के लिए गिरफ्तार करते हैं। शुरुआत में तो लोकी को कुछ समझ नहीं आता है, पर वो लोग लोकी को पकड़कर टीवीए में ले जाते हैं, जहां दीवार पर लगे एक टीवी में एक शो चल रहा होता है, जिसमें टीवीए के बारे में बता रहे होते हैं कि आज से हजारों साल पहले सारे यूनिवर्सेस में एक जंग छिड़ गई थी, जिसकी वजह से सभी समय रेखाएं आपस में एक दूसरे से टकराने लगी। मतलब आसान शब्दों में कि सारे यूनिवर्सेस आपस में टकराने लगे, जिससे हर तरफ सिर्फ तबाही होने लगी। और तभी ब्रह्मांड को बचाने के लिए तीन समय रक्षक सामने आए, जिन्होंने सारे यूनिवर्सेस की टाइमलाइंस को एक साथ मिलाकर एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाई, यानी कि शाश्वत समय रेखा। और तभी से समय रक्षक सभी की किस्मत लिखते हैं। वो सब इस चीज का ख्याल रखते हैं कि सीक्रेट टाइमलाइन के अलावा और कोई टाइमलाइन ना बन पाए, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे दूसरी टाइमलाइंस बन जाती है, और इन्हीं दूसरी टाइमलाइंस को मिटाने के लिए समय रक्षकों ने टीवीए को बनाया, यानी कि टीवीए के एजेंट्स को। वो सब गलत बनी टाइमलाइंस में जाकर उसे पूरी तरह से मिटा देते हैं, जिसकी वजह से फिर से सीक्रेट टाइमलाइन बिल्कुल सही चलने लगती है। अगर टीवीए के एजेंट्स गलती से बनी उस गलत टाइमलाइन को नहीं मिटाएंगे तो फिर से सारी टाइमलाइंस आपस में भिड़ जाएंगी और हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी होगी। इन्हीं टाइमलाइंस में छेड़छाड़ करने वाले लोगों को टीवीए में वेरिएंट्स कहते हैं, लेकिन टीवी पर चल रही सारी बातें लोकी को झूठ लगती है। लोकी को टीवीए की जज रेवोना के सामने पेश किया जाता है। रेवोना लोकी से कहती है कि तुमने शाश्वत समय रेखा में छेड़छाड़ की है, तुम्हें अपना गुनाह कबूल है, जिस पर लोकी कहता है कि आप लोग गलत देवता को पकड़ लाए हो। समय में छेड़छाड़ तो अवेंजर्स कर रहे थे, जिनकी गलती की वजह से मुझे टेसरेक्ट क्यूब मिला और मैं यहाँ पर आ गया। रेवोना उसे बताती है कि अवेंजर्स का टाइम ट्रैवलिंग करना तो विधि का विधान था, लेकिन तुम्हारा वहाँ से भागना नहीं। असल में अगर आपको याद हो तो जब अवेंजर्स इन्फिनिटी स्टोन लेने दूसरी टाइमलाइन में गए थे तो एंशियंट वन ने उनसे कहा था कि अगर तुम यहाँ से इन्फिनिटी स्टोन अपनी टाइमलाइन में लेके जाओगे तो बहुत सारी दूसरी समय रेखाएं बनने लगेंगी, पर अगर तुम उन्हीं इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस अपनी जगह पर रख दोगे तो बनी हुई सारी समय रेखाएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। अवेंजर्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एंड गेम के लास्ट में उनकी सही टाइमलाइन में पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से कोई और टाइमलाइन बनती ही नहीं है। लेकिन लोकी के भागने से दूसरी टाइमलाइन बन जाती है, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर है, इसीलिए रेवोना उसे रीसेट होने की सजा सुनाती है। लेकिन तभी वहाँ पर टीवी का एजेंट मोबियस आ जाता है, जो लोकी को अपने साथ ले जाता है। मोबियस लोकी को एक रूम में ले जाता है, जहाँ वो टाइम टीवी पर उससे उसकी पास्ट लाइफ को दिखाते हुए बोलता है कि तुम सबको इतना दुख क्यों पहुँचाते हो, जिस पर लोकी उसे कहता है कि तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन मोबियस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, यहाँ टीवी में तुम्हारा पास्ट तो क्या, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी सब लिखा है। मोबियस लोकी को टाइम थिएटर में दिखाता है कि आगे उसकी वजह से उसकी माँ भी मर जाएगी, जिसे देखकर लोकी इमोशनल होकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर बाहर जाकर लोकी को ये पता चलता है कि टीवी इतना शक्तिशाली है कि यहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स भी किसी काम के नहीं है, उनको यहाँ पर बस पेपर वेट की तरह यूज किया जाता है। जिन्हें देखकर लोकी समझ जाता है कि वो यहाँ से नहीं भाग पाएगा, वो वापस टाइम थिएटर में जाकर अपना फ्यूचर देखने लगता है कि कैसे थैनोस आने वाले समय में उसे जान से मार देगा। लोकी मोबियस से पूछता है कि तुमने मुझे उस जज से क्यों बचाया, तुम असल में मुझसे चाहते क्या हो, जिस पर मोबियस लोकी से कहता है कि एक वेरिएंट दूसरी टाइमलाइंस में
हमारे कुछ एजेंट्स को मार रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। लोकी उससे पूछता है कि मैं ही क्यों, जिस पर मोबियस उसे बताता है कि वो वेरिएंट कोई और नहीं बल्कि एक दूसरी टाइमलाइन का लोकी ही है। लोकी ये सुनकर उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लोकी सीरीज के दूसरे एपिसोड में अब हमें आगे दिखाया जाता है कि अब लोकी अपने उस वेरिएंट को पकड़ने के लिए टीवी के साथ काम करने लगा है। तभी उन्हें पता चलता है कि इस बार तो उस वेरिएंट ने उनके एक एजेंट को ही चुरा लिया है। लोकी और टीवी वाले उस जगह पर पहुंच जाते हैं लेकिन उन्हें वहां वो नहीं मिलता है, जिस पर लोकी उनको कहता है कि ये मामला बहुत सीरियस है, क्यों ना हम समय रक्षकों से मिलकर इस बारे में बात करें। लेकिन लोकी की इस बात को सुनकर सभी को लगने लगता है कि वो समय रक्षकों से मिलकर उन्हें मारना चाहता है ताकि खुद पूरे टीवी पर कब्जा कर सके, इसलिए वो इसे इस मिशन से निकाल देते हैं। पर मोबिस को लगता है कि शायद लोकी को एक मौका और मिलना चाहिए क्योंकि उसे उस पर अब भी थोड़ा बहुत भरोसा था, इसलिए वो टीवी की जज रेवोना से लोकी के लिए एक और मौका मांगता है। लेकिन इस बार लोकी भी सच में उस वेरिएंट को ढूंढने के लिए रिसर्च करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि जो वेरिएंट टीवी के पीछे पड़ा हुआ है वो ऐसी जगह पर जाकर छुप रहा है जहाँ किसी भी वजह से एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली हो, जिससे वो जगह और वहाँ के लोग खत्म हो जाते हैं। और अगर ऐसी जगह पर कोई कुछ करेगा तो उसका कोई भी फर्क सीक्रेट टाइमलाइन पर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जगह तो खुद ही डिस्ट्रॉय होने वाली है। लोकी और मोबियस इस चीज को चेक करने जाते हैं जहां मोबियस को पता चलता है कि लोकी बिल्कुल सही सोच रहा है। वो उन सभी जगह को ढूंढने लगता है जहां वो वेरिएंट छुपा हो सकता है। काफी ढूंढने के बाद आखिर उन्हें पता चल ही जाता है कि वो वेरिएंट 2050 के एलाबामा में छुपा हुआ है। मोबियस लोकी और टीवी एजेंट्स को लेकर वहां पहुंच जाता है, पर असल में ये सब उस वेरिएंट की चाल होती है। उसने जानबूझकर टीवी को अपनी लोकेशन का पता चलने दिया। उस वेरिएंट ने वहाँ के सभी लोगों को अपने बस में कर रखा था, यहाँ तक कि वो हर टीवी की एजेंट हंटर B-15 को भी अपने काबू में कर लेता है। तभी हमें पता चलता है कि वो वेरिएंट दूसरे टाइमलाइन की एक फीमेल लोकी होती है जिसका नाम है सिल्वी। जब लोकी उसे देखता है तो थोड़ा सा शॉक रह जाता है क्योंकि हर किसी को अपनी फीमेल वर्जन देखने के लिए नहीं मिलती। लोकी सिल्वी यानी फीमेल लोकी से मिलकर उसे अपने साथ काम करने को कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम दोनों इस पूरे टीवी पर कब्जा कर लेंगे। पर सिल्वी को उसकी इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि किसी रीजन की वजह से वो तो बस टीवी को तबाह करना चाहती थी। तभी सिल्वी सीक्रेट टाइमलाइन को बर्बाद करने के लिए टीवी के बहुत सारे टाइमलाइन रीसेट रिमोट्स को अलग अलग टाइमलाइंस में भेज देती है, जिससे सीक्रेट टाइमलाइंस में बहुत सारी नई ब्रांचेस बनने लगती हैं, जिसका मतलब है बर्बादी। लोकी सिल्वी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, पर तभी सिल्वी टेम्पेड जो उसने टीवी वालों से चुराया होता है उसकी मदद से एक नया पोर्टल खोलकर वहां से कहीं चली जाती है। टीवी के एजेंट्स लोकी को पकड़ने के लिए वहां पर आते हैं, पर लोकी भी सिल्वी के पीछे उसी पोर्टल में चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है, जिसके बाद शुरू होता है तीसरा एपिसोड, जिसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि सिल्वी एक पोर्टल को खोलकर टीवी में आ जाती है जिसके पीछे पीछे लोकी भी आ जाता है। असल में पिछले एपिसोड में सिल्वी ने शाश्वत समय रेखा को मिटाकर टीवी के अधिकांश एजेंट्स को काम पर लगा दिया था, जिसकी वजह से टीवी खाली हो गया और वो खुद टीवी में समय रक्षकों से मिलने आ जाती है। टीवी में सिल्वी को ये पता चल जाता है कि वो लोग कहां पर छुपे हैं। सिल्वी वहां के सभी गार्ड्स को हराते हुए उनकी ओर जाने लगती है। सिल्वी के पीछे लोकी भी होता है, लेकिन तभी टीवी की जज रेवोना लोकी और सिल्वी पर हमला कर देती है, पर तभी वो दोनों साल 2077 में एक टूटे हुए मून पर आ जाते हैं, जिससे कुछ ही देर में एक ग्रह टकराने वाला है जिसकी वजह से ये पूरा मून खत्म हो जाएगा और यहाँ रहने वाले सभी लोग भी। सिल्वी टेम्पेड को फिर से यूज करके यहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर टेम्पेड की बैटरी खत्म होने की वजह से वो दोनों अब वहाँ से नहीं निकल सकते हैं। पर तभी लोकी उस टेम्पेड को अपनी शक्तियों से कहीं छुपा देता है ताकि सिल्वी यानी फीमेल लोकी उसे यहाँ से छोड़कर ना भाग जाए, जिसके बाद वो दोनों साथ में काम करने की सोचते हैं। वो टेम्पेड को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ढूंढने लगते हैं, पर वो पूरी जगह जल्दी खत्म होने वाली थी इसलिए वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है। पर वहाँ उन्हें ये पता चलता है कि सभी लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करके स्पेस रॉकेट में बैठाकर बाहर निकाल रहे हैं। लोकी और सिल्वी को लगता है कि वहाँ पर शायद इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, इसलिए वो दोनों एक ट्रेन में बैठकर उस रॉकेट के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। पर ट्रेन में लोकी ज्यादा पी लेता है जिसकी वजह से वो पागलों की तरह नाचने लगता है, जिसके बाद ट्रेन के गार्ड्स उसे उठाकर ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। सिल्वी भी लोकी के पीछे कूद जाती है क्योंकि टेम्पेड अभी भी उसी के पास था। लोकी के गिरने की वजह से टेम्पेड पूरी तरह से टूट जाता है। अब वो दोनों ये सोचते हैं
कि हम टीवी में तो बाद में चले जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो अभी हमें इस मून से निकलना है। इसीलिए सिल्वी और लोकी पैदल ही उस स्पेस रॉकेट की ओर जाने लगते हैं, जो सभी लोगों को यहाँ से निकाल रहा था, जिससे उनकी जान बच जाए। सिल्वी चलते चलते लोकी को टीवी की कुछ बातें बताती है कि टीवी में काम करने वाले सभी लोग असल में खुद वेरियंट्स हैं, जिनकी याददाश्त मिटाकर उन्हें टीवी का एजेंट बना दिया गया है। यानी समय रक्षकों ने टीवी के किसी भी एजेंट को नहीं बनाया। वहीं लोकी और सिल्वी कैसे ना कैसे करके उस स्पेस रॉकेट तक पहुंच जाते हैं। पर तभी जो ग्रह इस मून पर गिरने वाला था, उसका एक टुकड़ा उस रॉकेट पर आकर गिरता है, जिससे वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। लोकी और सिल्वी उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो गई थी। इसी के साथ एपिसोड 3 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें सिल्वी का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ वो एस्गार्ड में अपने खिलौनों के साथ खेल रही होती है कि तभी टीवी के एजेंट्स वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी, भला एक छोटी सी बच्ची समय रेखा में क्या छेड़छाड़ कर सकती है। वो तो बस वहाँ अपने खिलौनों से खेल रही थी। सिल्वी को टीवी में ले जाया जाता है, पर सिल्वी उन्हीं में से एक एजेंट के टेम्पेड को चुरा कर वहाँ से एक पोर्टल खोलकर भाग जाती है, और तब से अभी तक वो टीवी से बचकर भाग रही है। यही कारण है कि सिल्वी टीवी और उसके क्रिएटर को खत्म करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने उसका बचपन और उसके मॉम डैड उससे छीन लिए। ये सारी बातें सिल्वी लोकी को बता रही होती है, क्योंकि अब वो दोनों इसी मून पर फंस चुके हैं और कुछ ही देर में ये मून डिस्ट्रॉय होने वाला है। लोकी सिल्वी की स्टोरी सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो दोनों थोड़ा क्लोज आने लगते हैं, जिसकी वजह से टाइमलाइन में बदलाव होने लगते हैं। और टीवी वाले इस चीज को देखकर इन दोनों की लोकेशन का पता लगा लेते हैं, जिसके बाद वो इन दोनों को पकड़कर वापस टीवी में ले जाते हैं और उन दोनों की जान बच जाती है। पर मोबियस लोकी से बहुत गुस्सा है, जिस पर लोकी उसे कहता है कि टीवी वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। यहाँ के लोगों को समय रक्षकों ने नहीं बनाया, वो सभी तो वेरिएंट्स हैं। मोबियस उसकी बात पर यकीन नहीं करता है और उसे एक टाइम लूप में डाल देता है। वहीं दूसरी ओर सिल्वी एजेंट्स हंटर B-15 की सारी मेमोरीज को वापस ले आती है, जहाँ टीवी से पहले वो पृथ्वी पर अपनी फैमिली के साथ खुश थी, जिसे जानने के बाद वो सिल्वी का साथ देने को तैयार हो जाती है। उधर मोबियस जज रेवोना से सिल्वी से मिलने को कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है, जिसके बाद वो उस एजेंट C-20 से मिलने को कहता है, जिसे सिल्वी उठाकर अपने साथ ले गई थी। पर रेवोना उससे मिलने के लिए भी मोबियस को मना कर देती है। रेवोना की बातों से मोबियस को उस पर शक होने लगता है, इसीलिए वो उसका टेम्पेड चुराकर वहाँ से बाहर आ जाता है। और जब वो उस टेम्पेड में एजेंट C-20 की फाइल को देखता है, तो उसे पता चल जाता है कि वो तो पहले पृथ्वी पर रहा करती थी, पर टीवी ने उसे पकड़कर उसकी सारी मेमोरीज को मिटाकर उसे टीवी में रख लिया। सिल्वी की वजह से उसकी मेमोरीज वापस आ रही थी, इसलिए रेवोना ने C-20 को मार दिया। ये जानने के बाद उसे लोकी की बातों पर विश्वास होने लगता है कि टीवी के सारे लोग वेरिएंट्स हैं। वो लोकी को टाइम लूप से बाहर निकाल कर ले आता है, लेकिन रेवोना को पता चल चुका था कि मोबियस उसके बारे में सब जान चुका है, इसीलिए वो मोबियस को भी नष्ट कर देती है और लोकी और सिल्वी को समय रक्षकों के पास ले जाती है, जो उन्हें वापस रीसेट यानी कि खत्म करने को कहते हैं। पर तभी एजेंट हंटर B-15 वहां आकर लोकी और सिल्वी को आजाद कर देती है। अब वो दोनों मिलकर सभी एजेंट्स को मार डालते हैं और गुस्से में सिल्वी समय रक्षकों के एक मेंबर का सिर काट देती है, जिसके बाद जो होता है उसे देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो कोई समय रक्षक नहीं है, वो तो बस रोबोट्स हैं, जो एक के मरने के बाद सभी अपने आप मर जाते हैं। यानी समय रक्षकों ने टीवी को नहीं बनाया, इसका क्रिएटर कोई और ही है। तभी पीछे से आकर रेवोना लोकी को भी नष्ट कर देती है। सिल्वी उसे मारने की कोशिश करती है, पर वो उसे मारती नहीं है, क्योंकि अभी तो उसको उससे टीवी के बारे में काफी सवाल पूछने थे, जिसके साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। पर तभी हमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें लोकी वर्ल्ड नाम की एक जगह पर है और उसके सामने उसके कई सारे वेरिएंट्स खड़े हैं, जहाँ पर एक क्लासिक लोकी होता है, एक किड लोकी, एक बोस्टफुल लोकी और एक एलिगेटर लोकी। जिसके बाद अब एपिसोड 5 में हमें दिखाया जाता है कि रोवाना सिल्वी को बताती है कि लोकी अभी मरा नहीं है, वो वॉइड नाम की एक जगह पर पहुंच चुका है। असल में वॉइड समय के अंत पर बसी एक जगह है, जहां अगर तुम कुछ भी करोगे तो उसका कोई भी फर्क सेक्रेट टाइमलाइन यानी कि शाश्वत समय रेखा पर नहीं पड़ेगा, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है, क्योंकि वहां पर एक एलोयथ नाम का राक्षस रहता है। जिसके साथ रेवोना उसे ये भी बताती है कि वॉइड में शायद टीवी का असली क्रिएटर छुपा हुआ है। पर तभी वहाँ पर टीवी के एजेंट्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सिल्वी अपने आप को भी नष्ट करके वॉइड में पहुँच जाती है। जिसके बाद जज रेवोना टीवी की शुरुआत की सारी फाइल्स को ढूंढने लगती है कि असल में टीवी को किसने बनाया। वहीं दूसरी ओर वॉइड के अंदर सभी लोकी एक जगह पर बैठे होते हैं और एक दूसरे को
अपने बारे में बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि एलॉयड की नजरों से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए अब हमने वॉइड को ही अपना घर मान लिया है। पर लोकी वहाँ से किसी भी कीमत पे बाहर निकलना चाहता था। ये सब बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लोकी के और बहुत सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं। उन सभी वेरिएंट्स में लड़ाई होने लगती है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर लोकी दूसरे लोकी यानी कि क्लासिक लोकी, किड लोकी और एलिगेटर लोकी के साथ वहाँ से बाहर आ जाता है। उधर सिल्वी भी अब वॉइड के अंदर आ चुकी थी, उसके पीछे एलॉयड पड़ चुका था। पर तभी एक कार में उसको बचाने के लिए मोबियस आ जाता है और सिल्वी को बचा लेता है, क्योंकि मोबियस को भी नष्ट कर दिया गया था और वो भी इस टाइम वॉइड के अंदर ही था। जिसके बाद मोबियस और सिल्वी लोकी से मिलते हैं और एलॉयड को एक साथ हराने का प्लान बनाते हैं, जिसमें क्लासिक लोकी भी उनकी मदद करता है। वो एलॉयड का ध्यान खींचने के लिए अपनी शक्तियों से एस्गार्ड की एक इमेज बना देता है, ताकि लोकी और सिल्वी उसके अंदर जाकर उसे हरा सके। लोकी और सिल्वी दोनों अपनी शक्तियों को एक साथ कर एलॉयड को हरा देते हैं, पर इस लड़ाई में क्लासिक लोकी मारा जाता है। एलॉयड के मरते ही लोकी और सिल्वी को एक महल दिखाई देता है जो समय के अंत पर बना हुआ है। लोकी और सिल्वी समझ जाते हैं कि एलॉयड वॉइड की नहीं बल्कि इसी महल की रक्षा कर रहा था, जिसके अंदर टीवी का असली क्रिएटर रहता है। तभी ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है, जिसके बाद एपिसोड 6 में हमें दिखाया जाता है कि लोकी और सिल्वी ने उस महल को ढूंढ लिया जिसमें टीवी का असली क्रिएटर रहता है। वो दोनों उस महल के अंदर जाने लगते हैं, तभी महल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसके खुलते ही उनके सामने मिस मिनट आती है। मिस मिनट टीवी की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो टीवी के क्रिएटर की बातों को सभी तक पहुंचाती है। मिस मिनट लोकी और सिल्वी को बताती है कि टीवी का असली क्रिएटर है ही हू रिमेन्स, जो कि कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट है, जो अभी यहीं पर तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तुम कुछ भी मांग सकते हो, फिर चाहे वो एस्गार्ड ही क्यों ना हो, ही हू रिमेन्स उसे अभी पूरा कर देंगे। जिस पर वो दोनों उसके इस ऑफर को मना करके ही हू रिमेन्स से मिलने को कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लिफ्ट में उनके सामने एक आदमी आता है जो कोई और नहीं बल्कि ही हू रिमेन्स ही है, जो कि कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट है। लोकी और सिल्वी सोचते हैं कि ये तो एक इंसान है, इसीलिए वो दोनों उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन कैंग बड़ी आसानी से उनसे बच जाता है, जैसे कि मानो उसे पहले से ही पता हो कि उसके ऊपर कब हमला होने वाला है। लोकी और सिल्वी उसे मारने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो उसे टच भी नहीं कर पाते हैं। जिस पर कैंग उन्हें बताता है कि तुम मेरी वजह से ही यहाँ पर आए हो, वरना अब तक तो तुम दोनों मर चुके होते। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि कब तुम मुझ पर हमला करोगे, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारा यहाँ पर आना लिखा था। जिस पर लोकी उससे पूछता है कि अगर तुम्हें पता ही था कि हम तुम्हें यहाँ पर मारने आएंगे तो तुमने हमें यहाँ पर बुलाया ही क्यों। जिस पर कैंग उन्हें अपने बारे में बताता है कि मैं 30वीं सदी में पृथ्वी पर एक साइंटिस्ट था और मैंने ये पता लगा लिया था कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे मल्टीवर्स हैं, और दूसरे यूनिवर्सेस के कैंग्स ने भी इस बात का पता लगा लिया था। उन्होंने एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने का तरीका ढूंढ लिया, जिसके बाद सभी कैंग्स आपस में मिले और उन्होंने मिलकर अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर की। लेकिन कुछ समय बाद कैंग के बुरे वेरिएंट्स ने एक दूसरे के यूनिवर्स पर कब्जा करने के लिए जंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मल्टीवर्स युद्ध चालू हो गया। इन्हीं चीजों के बीच में कैंग के सबसे पहले वेरिएंट ने एक ऐसे जीव को ढूंढ निकाला जो सभी चीजों को खत्म कर सकता है। ये जीव कोई और नहीं बल्कि एलॉयड है। उसने एलॉयड की मदद से सभी यूनिवर्सेस के कैंग को मार दिया, जिसके बाद सिर्फ एक कैंग और टाइमलाइन बची, जिसकी रक्षा करने के लिए उसने टीवी को बनाया। ही हू रिमेन्स उन दोनों को बताता है कि अगर तुम दोनों मुझे मार दोगे तो यहाँ फिर से मल्टीवर्स वॉर शुरू हो जाएगी। लेकिन सिल्वी को उसकी बातें झूठी लगती है, जिस पर कैंग उसे बताता है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरे दूसरे वेरिएंट्स मुझसे कहीं ज्यादा बुरे हैं। कैंग उन्हें कहता है कि मैं बहुत समय से इस काम को कर रहा हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि कोई और मेरी जगह ले। मैंने बहुत ढूंढा कि कौन मेरी जगह लेने के लिए काबिल है, पर फिर मुझे तुम दोनों मिले। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जो मेरी जगह ले सके। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह लेकर टीवी पर राज करो, या फिर तुम मुझे मारकर मल्टीवर्स वॉर फिर से शुरू कर दो। वहीं दूसरी ओर रेवोना मिस मिनट से टीवी के क्रिएटर की सारी फाइल्स डाउनलोड करने को कहती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर टीवी को बनाया किसने है। लेकिन रेवोना जैसे ही उन फाइल्स को देखती है उसके होश उड़ जाते हैं और वो अपना सामान लेकर टीवी से जाने की तैयारी करने लगती है। पर तभी मोबिस वहाँ आकर उसे रोकता है, क्योंकि अब वो टीवी के बारे में जानता है कि वो लोग उनकी आजादी छीन रहे हैं। पर इससे पहले मोबियस रेवोना को पकड़ पाता वो टेम्पेड का एक पोर्टल खोलकर वहाँ से चली जाती है। अब वो कहाँ जाती है
इसका किसी को नहीं पता। उधर कैंग भी उनके जवाब का इंतजार कर रहा होता है, या तो उसे मारो और मल्टीवर्स की युद्ध शुरू कर दो, या फिर टीवीए और बाकी सारे यूनिवर्सेस पे राज करो। लेकिन सिल्वी को तो उसे मारना ही था, क्योंकि उसने उसका बचपन बर्बाद कर दिया था। वो कैंग को मारने के लिए उस पर हमला करती है, पर लोकी उसे रोक लेता है, क्योंकि लोकी को कैंग की बातें सच लग रही थी। जिस पर सिल्वी को ये लगता है कि लोकी सच में टीवीए पर राज करना चाहता है, इसलिए वो उसे नहीं मारती है। सिल्वी लोकी को इमोशनल करने लगती है और तभी एक टेम्पेट से पोर्टल खोलकर उसे वापस टीवीए में भेज देती है। अब लोकी को टीवीए में भेजते ही वो कैंग के सीने में तलवार घुसाकर उसको मार देती है, और कैंग के मरते ही शाश्वत समय रेखा में बहुत सारी अलग अलग टाइमलाइंस बनने लगती हैं, जिसे अब टीवीए वाले भी नहीं रोक पाते हैं। तभी टीवीए में लोकी मोबिस के पास जाकर उससे कहता है कि मैंने कैंग को पकड़ ही लिया था, पर मोबिस को कुछ समझ नहीं आता है कि लोकी क्या कह रहा है और वो कौन है। वो लोकी के बारे में सब कुछ भूल चुका था। तभी लोकी की नजर टीवीए की बिल्डिंग पर जाती है, जिस पर इस बार समय रक्षकों की नहीं बल्कि कैंग की स्टैचू बनी होती है। इसका मतलब जैसे ही सिल्वी ने कैंग को मारा, तभी उसके दूसरे बुरे वेरिएंट्स ने यहाँ आकर टीवीए पर कब्जा कर लिया, यानी अब बहुत बुरा होने वाला था। और इसी सस्पेंस के साथ ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। लोकी सीरीज के सीजन 2 का टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसको देखने के बाद ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। क्या इस अननोन थ्रेट कैंग द कॉन्करर को हमारे प्यारे अवेंजर्स रोक पाएंगे? वेल, इसका आंसर शायद अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये मल्टीवर्स सैगा आगे बढ़ेगी, हमें परत दर परत नए नए सस्पेंस खुलते हुए नजर आएंगे। पर फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको लोकी की कहानी पसंद आई होगी।